जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, आज दिल्ली के लोग दिल्ली वाला होने पे गर्व महसूस करते हैं। दिल्ली के लोग या दिल्ली का अपना परिवार धीरे 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 इतना करीब आता जा रहा है, इतना साथ आता जा रहा है, इतनी घनिष्ठता बढ़ती जा रही है अपने 2 करोड़ लोगों के बीच में। और मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते इस परिवार के बड़े बेटे की तरह हूं। और परिवार के बड़े बेटे होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरे परिवार के एक एक सदस्य का ख्याल रखना। अगर उनकी बिजली की समस्या हो तो उनको 24 घंटे बिजली का इंतजाम करके देना, उनकी 200 यूनिट बिजली मुफ्त करके उनको उनको थोड़ी सी सहूलियत पहुंचाना, अपने परिवार के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना। लेकिन मेरी एक चिंता रहती है इस परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते, अपने दिल्ली की जितनी महिलाएं हैं, अपनी जितनी मां बहने बेटियां हैं, हमें मानना पड़ेगा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती आज दिल्ली के अंदर, चाहे किसी के भी परिवार की हो, आपके अपने परिवार की हो। जब वो घर से बाहर निकलती हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस बड़े परिवार का, दिल्ली परिवार का बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है अपनी महिलाओं की सुरक्षा करना, अपनी मां बहनों बेटियों की सुरक्षा करना। उसको लेके मैं चिंतित रहता हूं। तो आज आप लोगों को मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि दिल्ली की अपनी किसी भी बस में अपनी मां बहन बेटी कोई भी बैठे, उसकी सुरक्षा की आज मैं जिम्मेदारी का काम आप लोगों को दे रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको पूरे जोश के साथ निभाओगे, जितना जोश आज मैं आप लोगों के अंदर देख रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी, अगर किसी महिला के साथ कोई कुछ करे ना, गड़बड़ है, तो फिर छोड़ना मत उसको, फिर जो करना पड़े कर देना। अपनी महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा, कोई महिला अगर बस में बैठे उसको ये लगना चाहिए ये मेरे लिए सुकून की जगह है, मेरे साथ यहाँ कोई, मेरा भाई है एक इस बस में बैठा है, मेरी बहन एक इस बस में बैठी है, वो मेरे साथ कुछ नहीं होने देगी। ये सुरक्षा की भावना अपनी जितनी महिलाएं बस में ट्रेवल करें उनके अंदर होनी चाहिए। और आप लोगों की भी, आपकी बहन अगर किसी बस में बैठेगी उसकी सुरक्षा ये लोग करेंगे, उनकी बेटी अगर किसी बस में बैठेगी उनकी सुरक्षा ये लोग करेंगे। हम सारे लोग जो एक परिवार बन गए हैं अब दिल्ली के लोग, हमें एक दूसरे की सुरक्षा करनी है, हमें एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।